महोबा जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर महोबा जिले में बारातियों की भरी तेज रफ्तार मारुति वैन कार अनियंत्रित होकर पलट गई। मारुति कार में सवार महिलाओं सहित आधा दर्जन बाराती घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन के पास का है, जहां मध्य प्रदेश के बारीगढ़ निवासी हल्के कुशवाहा के पुत्र संतोष की शादी आज महोबा जिले के लाड़पुर गांव निवासी जगमोहन कुशवाहा पुत्री के साथ संपन्न होने जा रहा था। हर्षोल्लास के साथ बारातियों से भरे वाहन महोबा मुख्यालय से लाड़पुर की ओर जा रहा था, तभी पुलिस लाइन के पास बारातियों से भरी एक मारुति वैन कार अनियंत्रित होकर पलट जाने से बारातियों में चीख पुकार मच गई। घायल बारातियों को आनन फानन में इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की देखरेख में सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? संतोष कुशवाहा। संतोष जी क्या घटना हुई है? आज एक शादी थी हमारी, बारात जा रही थी, जिसमें इस पुलिस लाइन पे गाड़ी अचानक पलट गई तो कई लोग घायल हो गए हैं। उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया। जी क्या नाम है आपका? भगवत। भगवत जी क्या घटना हुई है? ये जी बारात जा रही थी बारीगढ़ से, पुलिस लाइन के पास मारुति वैन पलट गई, उसमें बिटिया लालपुर जा रही थी। कितने लोग घायल हैं? सात आठ। अच्छा, अभी इलाज के लिए कहाँ लेकर आए हैं आप? सरकारी इमरजेंसी। बारात कहाँ जा रही थी? लालपुर। सर बड़ी संख्या में घायल लोग इलाज के लिए लाए गए, क्या है मामला? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा में इलाज के लिए कुछ लोग लाए गए हैं, जो कि शादी में जा रहे थे, और जो मारुति वैन पलटने का मामला है, जिसमें से 6-7 लोग घायल हुए हैं। घायलों का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा में ट्रीटमेंट चल रहा है और सबकी हालत स्थिर बनी है। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।